हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10th मैथ्स क्लास नोबलवुड स्कूल में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में आप जैसा जानते हैं चैप्टर नंबर 40 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में मीडियन फाइंड आउट करने में अगर अनकंटिन्यूअस ग्रुप गिवन है, ठीक है, अनकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो उसको क्या करना है वो एक सम करवाया था, एंड मीडियन गिवन है एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो वो सम करवाया था। अब यहाँ पे कुछ सम तो एक ही है वैसे, लेकिन टॉपिक के हिसाब से मैं नोट्स सारी लिखा देता हूँ क्योंकि हो सकता है उसके हिसाब से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। सम्स इसमें नहीं है ज्यादा, बट आप प्रैक्टिस वर्क प्रीफर करते हो या और कोई मटेरियल प्रीफर करते हो तो उसमें ये सम्स हो सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ नोट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के रखी है ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहली नोट्स जो है वो लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है। अब मीडियन हम जहां पे स्टडी करते हैं ना, आपको पता है हम क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं लास्ट में, ठीक है। सो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक तरह का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वन इज लेस देन टाइप एंड सेकंड इज मोर देन टाइप। तो जो हम क्लास वाला लिखते हैं हर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी वो नॉर्मल कहलाता है, ठीक है, इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन नॉर्मल के अलावा और दो है, एक है लेस देन टाइप एंड एक है मोर देन टाइप, ठीक है। सो लेस देन एंड मोर देन में कैसे करना है, नॉर्मल टू लेस देन, लेस देन टू नॉर्मल, इसकी नोट्स यहाँ पे मैंने लिखी है, अभी समझा रहा हूँ। सेम वे नॉर्मल टू मोर देन एंड मोर देन टू नॉर्मल कैसे करना है उसकी नोट्स ये है, ठीक है। आपको अपने फेयरबुक में लिख लेनी है नोट्स, लेकिन पहले मैं ये नोट्स समझा लेता हूँ। नोट्स ये हैं लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फॉर मेकिंग लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेक अपर लिमिट्स ऑफ ऑल क्लासेस। अपर लिमिट्स ऑफ ऑल क्लासेस का मतलब क्या होगा, अगर क्लास है आपके 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन है तो उसका आपको जब आप लेस देन टाइप करते हो तब वहां पे आपको क्लास नहीं लिखने होते, तो क्या लिखना होता है लेस देन टाइप में, क्या लेना है, अपर लिमिट लेनी है लेस देन टाइप में। अपर लिमिट इसकी क्या है, 10, तो यहाँ पे आपको लिखना है लेस देन 10, क्या लिखना है लेस देन 10। सेम वे सेकंड क्लास में भी अपर लिमिट लेनी है तो उसमें क्या लिखना है, लेस देन 20। फिर क्या लिखोगे, लेस देन 30, लेस देन सब में आएगा क्योंकि ये लेस देन टाइप है, लेस देन 40, ऐसा कंटिन्यू रहेगा। तो समझ में आ गया, ये क्लास की क्या लेनी, अपर लिमिट, क्लास नहीं लिखने हमें वहां पे, क्लास के बदले क्लास जहां पे हम लिखते हैं उसकी जगह पे हमें ये लिखना है, ठीक है। अब फिर उसके बाद आगे ये हो गया लेस देन टाइप में, अपर लिमिट लेनी है, क्या लेनी है, अपर लिमिट। फिर इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी इज फाउंडेड बाय एडिंग ऑल फ्रीक्वेंसी अप टू डाउन, मतलब 0 टू 10 की अगर 5 है, 10 टू 20 की 7 है, 20 टू 30 की 12 है, तो इसमें लेस देन टाइप में फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, टोटल जैसे हम क्यूम्युलेटिव फाइंड करते थे ना वैसे ही, ये 5 का 5 पहले, फिर 5 प्लस 7 का क्या हो जाएगा 12, फिर 12 प्लस 12 का क्या हो जाएगा 24, जैसे क्यूम्युलेटिव। लेकिन यहाँ पे खास ध्यान रखना, मैंने लिखा है अप टू डाउन, अप टू डाउन मतलब स्टार्टिंग अप से होगा और डाउन तक जाएगा जैसे हम क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में करते थे वैसे ही, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्लास की जगह पे क्या आ जाएगा, अपर लिमिट्स एंड लेस देन, एंड फ्रीक्वेंसी में टोटल होगा। ये हो गया लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 2 मार्क्स में ये भी सम पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल्स में होंगे, आप देखना, अगर कोई डाउट्स लगे तो मुझे पूछना, आप एक्स्ट्रा सम्स प्रैक्टिस में कर सकते हो, ठीक है। फिर ये जो थर्ड पॉइंट है वो स्पेशल है, टू कन्वर्ट लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन टाइप में से अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, ये ऊपर के जो 2 पॉइंट्स करवाए मैंने आपको नॉर्मल टू लेस देन में करवाए। अब अगर आपको लेस देन गिवन है और नॉर्मल करने के लिए कहे तो क्या करना है, तब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रीक्वेंसी अप टू डाउन। मतलब देखिए, जब आपको लेस देन टाइप गिवन होगा ना, ये नॉर्मल था, ठीक है, जब लेस देन टाइप आपको गिवन होगा ना तब ऐसा गिवन होगा, लेस देन 10, उसमें 5,
लेस देन 20, उसमें 12, लेस देन 30, उसमें होगा 24। तो अब इसके ऊपर से आपको क्लास बनाने हैं। क्लास कैसे बनेंगे, ये अपर लिमिट है, ये तो आपको पता ही है। तो ये अपर लिमिट 10 के बाद अपर लिमिट है 20, तो क्लास बनेंगे 0 to 10, 10 to 20। अब ये तो सिंपल है, 20 to 30। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अप टू डाउन, ऊपर से नीचे तरफ। तो पहली 5 की 5 रहेगी, फिर दूसरे में 12 - 5 मतलब क्या हो जाएगी 7, फिर तीसरे में 24 - 12 मतलब हो जाएगी 12। ऐसे कंसेक्यूटिव चलता रहेगा, ठीक है। मतलब रिवर्स प्रोसेस करनी है। नॉर्मल टू लेस देन में जब हम जाते थे तब फ्रीक्वेंसी को अप टू डाउन एड करते थे, लेस देन टाइप टू नॉर्मल जाएंगे। वापस बोल रहा हूँ, नॉर्मल टू लेस देन जाना है तब अप टू डाउन फ्रीक्वेंसी का एडिशन। अब अगर लेस देन टू नॉर्मल जाना है तो अप टू डाउन फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। क्लियर। तो अब उसके बाद ये हो गया लेस देन टाइप। अब आएगा मोर देन टाइप। मोर देन टाइप में क्या करना है, देखिए उसकी नोट्स मैंने यहाँ पे लिखी है, सेम टू सेम है फॉर मेकिंग मोर देन टाइप। इसमें लेस देन टाइप था, इसमें हम अपर लिमिट लेते थे, इसमें क्या लेना है, लोअर लिमिट। क्या लेना है, लोअर लिमिट। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी इज फाउंडेड बाय एडिंग ऑल फ्रीक्वेंसीज डाउन टू अप। उसमें कैसे फाइंड आउट होता है, मोर देन टाइप में नीचे से स्टार्ट करना है और एड करते जाना है। कुछ लोग कई जगहों पे ऐसा गिवन होता है कि ऊपर से सब्ट्रैक्शन आता है, लेकिन वो आपको डिफिकल्ट होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये नोट्स जो है वो खास माइंड में रखनी होंगी, वो कैसे फाइंड आउट होगी, डाउन टू अप। मोर देन में डाउन टू अप होता है, लेस देन में अप टू डाउन होता है। लेस देन में अपर लिमिट होती है, मोर देन में कौन सी लिमिट होती है, लोअर लिमिट। वैसे ही थर्ड पॉइंट इसके जैसा ही, सेम टू सेम है, इसमें और कुछ चेंजेस नहीं है। टू कन्वर्ट मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल, मोर देन में से अगर नॉर्मल लेना है, देन सब्ट्रैक्ट फ्रीक्वेंसीज डाउन टू अप। डाउन टू अप फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट करना होगा, सिंपल है। डाउन टू अप हम अगर एड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कैसे करना पड़ेगा, डाउन टू अप। क्लियर हो गई ये नोट्स, ठीक है। अब एक ही सम बाकी है, हम उसके ऊपर जाएंगे। पहले मैं वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आगे हम ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। So, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्संस हैविंग एज 18 इयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 इयर्स, ठीक है। अब आपको ऐसा डेटा गिवन है, बिलो 20, बिलो 25। अब आप बोलोगे सर ये बिलो का मतलब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो मैंने टू टाइप्स करवाया है, लेस देन एंड मोर देन। लेस देन 20 का मतलब होगा बिलो 20, दोनों एक ही हुआ। सो इट इज गिवन दैट लेस देन टाइप आपको गिवन है, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, और आपको इसमें मीडियन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन, या आईएमपी समया 3 मार्क्स में पूछे जाने के लिए। लेस देन टाइप गिवन है, तो पहले इसे यहां पे मैं लिख दूंगा, वी हैव टू कन्वर्ट गिवन डेटा इनटू कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लिख सकते हो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। टू फाइंड मीडियन, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहले तो नॉर्मल टेबल बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले टेबल के लिए आपको पता है मीडियन के टेबल में सबसे पहले आता है क्लास, उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से, एंड लास्ट में आएगा क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो यहां पर मैं ये लाइन क्रिएट कर देता हूं। अब देखिए क्लास कैसे फाइंड आउट होगा, इट इज अ लेस देन टाइप, ये लेस देन टाइप है,
पहले तो ये क्लियर होना चाहिए गिवन है वो कौन सा टाइप है, इट इज लेस देन टाइप। अब लेस देन टाइप में कौन सी लिमिट ली जाती है, अपर लिमिट ली जाती है। कौन सी लिमिट ली जाती है, अपर लिमिट, मतलब ये जो 20, 25, 30 ये सब अपर लिमिट है क्लास की। कौन सी लिमिट है, अपर लिमिट। एंड डिफरेंस कितने कितने का है, 5-5 का है। तो लोअर लिमिट हमें अपने तरह से लिखनी होगी, 20 में 5 का डिफरेंस लो तो पहला क्लास होगा 50 to 20 हो गया, 50 to 20। फ्रीक्वेंसी में बाद में करवाता हूँ, पहले 50 to 20, फिर आएगा 20 to 25, पहले क्लास लिख लो सारे 20 to 25, फिर आएगा 25 to 30, ठीक है, फिर आएगा 30 to 35, फिर आएगा 35 to 40, फिर आएगा 40 to 45, फिर आएगा 45 to 50, फिर आएगा 50 to 55, एंड लास्ट में आएगा 55 to 60, ठीक है। एंड इधर हम टोटल ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये क्लास हो गया, अब इसमें जो इसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, क्यूम्युलेटिव बाद में करेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी। अब लेस देन टाइप में से नॉर्मल में जाना है तो देखिए मैंने प्रीवियसली नोट्स लिखवाई है, उसमें थर्ड पॉइंट देखिए आप अपना पेज टर्न ओवर करके, या तो सामने है तो सामने रख के देखिए। लेस देन टाइप टू नॉर्मल में कैसे जाते हैं हम, लेस देन टाइप टू नॉर्मल में अगर हमें जाना है तो अप टू डाउन सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, अप टू डाउन सब्ट्रैक्शन। लेस देन टाइप टू नॉर्मल में, अगर नॉर्मल टू लेस देन टाइप होता तो अप टू डाउन एडिशन होता, क्लियर। सो अप टू डाउन सब्ट्रैक्शन करते जाओ, पहला टू का टू ही रहेगा फ्रीक्वेंसी में, फिर 6 - 2 मतलब ये होगा 4, अप टू डाउन नीचे की तरफ अब जाते जाना है, 6 - 2। अब ये 24 - 6 का क्या होगा, 18, 45 - 24 का होगा 21, 78 - 45 करेंगे तो 33 होगा ये, फिर 89 - 78 करोगे तो होगा 11, फिर 92 - 89 करोगे तो होगा 3, 98 - 92 करोगे तो होगा 6। दो कंसेक्यूटिव का ही सब्ट्रैक्शन करना है, जिस क्लास की आपको चाहिए उसके बाद वाले क्लास में से गिवन की जो है वो ये एक्चुअली क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फिर उसके बाद अगर चाहिए 98 - 2 6 हो गया, फिर 100 - 98 मतलब क्या हो जाएगा 2। अब ये टोटल 100 ही होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है, मैं वीडियो की साइज कम करने के लिए थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। अब ये 100 ही होगा, ठीक है, आप लोगों को चेक करना है ताकि आपकी मिस्टेक नहीं हुई वो आपको पता चल जाए। अब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है कैसे लेते हैं, 2 2 + 4 6 6 + 18 24 24 + 1 24 + 21 मतलब 45। कोई बोलेगा सर ये तो यही आ रही है, यस यही आएगी, इसमें और कुछ नहीं है, मैंने नोट्स लिखवाई तभी कहा था। 45 के बाद आएगा 78, फिर आएगा 89, फिर आएगा 92, फिर आएगा 98 एंड ये होगा 100। ये हो गया। अब मीडियन फाइंड आउट करने की नॉर्मल प्रोसेस जैसे करते थे वैसे करनी है। यहाँ पे पहले तो n/2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 50। सो CF जस्ट ग्रेटर देन 50 इज जस्ट ग्रेटर देन 50 इज जस्ट ग्रेटर देन 50 इज क्या होगा, जस्ट ग्रेटर देन 50 से जस्ट बड़ी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 78 है। सो ये 78 वाला जो क्लास होगा हमारा वो कौन सा क्लास होगा, मीडियन क्लास, मतलब क्लास कौन सा है, 35 to 40 इज 78। देयरफॉर मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास इज 35 to 40, क्लियर, 35 to 40। अब इसके आगे जाएंगे, सारी वैल्यूज L, L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 35। फिर n/2 इज 50। फिर CF आपको पता है हम किसे कहते हैं, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 45। फिर f
F means frequency of median class is 33, and H is class height or class size. कितनी है? 5. H is equals to 5. क्लियर हो गया ये? अब आगे मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है उसकी प्रोसेस आपको करनी है, ठीक है? सम आगे आपको कंप्लीट कर लेना है, एंड उसके बाद मीडियन का जो आंसर आएगा वो होगा 35.8 अबाउट आएगा m. आपको कैलकुलेशन करनी है होमवर्क में, ठीक है? ये आपको आंसर फाइंड आउट करना होमवर्क में. अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करना. फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा ही पोर्शन है, थोड़ा सा वीडियो अगर लेंदी हो तो कोई बात नहीं, हम लेके कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर ओवर हो जाए, ठीक है? इस वीडियो में अभी मैं आगे जा रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ बोर्ड पे. सो अब चलिए कुछ और नोट्स जो है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं. स्टैंडर्ड एट, सॉरी नोट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज ओजाइव. उसे क्या कहते हैं? ओजाइव, नॉट ओगिव, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? ओजाइव. वन मार्क में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ग्राफ्स ड्रॉ करने नहीं पूछते हैं, लेकिन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो इट इज द नोट्स बेस्ड ऑन ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड. सो फर्स्ट वन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेस देन टाइप या मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करे तो उसको क्या कहा जाता है? यस, वेरी गुड, ओजाइव. अब फिर ओजाइव के ऊपर से मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है? ग्राफ अगर आपको दे दे, ग्राफ ड्रॉ करना नहीं पूछते, लेकिन ग्राफ दे दिया और उसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे, तो मीडियन पूछा तो क्या करना है? फॉर गिवन डेटा, अगर दोनों बोथ ओजाइव्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, अगर दोनों ओजाइव आपको ड्रॉ किए गए हैं, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप एक ही ग्राफ में अगर ड्रॉ किए गए हैं दोनों ओजाइव, तो दोनों ओजाइव एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते होंगे, एंड वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द डेटा. तो अगर वो दोनों ओजाइव जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट की आप अगर वैल्यू लोगे तो वो वैल्यू होगी मीडियन. वो क्या होगी? मीडियन. क्लियर? आफ्टर दैट, अगर कोई एक ओजाइव गिवन है, फॉर एनी वन ओजाइव टेक n by 2 on y axis पे n upon 2 की वैल्यू, अगर n 100 है तो 100 upon 2 50 ले लेना है y axis पे. कहां पे लेना है? y axis पे 50 ले लेना है. draw parallel line to x axis which intersect ओजाइव. अब वो जो हमने 50 लिया है ना y axis पे, फॉर एग्जाम्पल ये आया हमारा n by 2 और ये हमारा ओजाइव है, ठीक है? तो अब इसमें से आपको क्या करना है? ड्रॉ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस. इसमें ये एक्स एक्सिस है, इसको पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करनी है विच इंटरसेक्ट्स ओजाइव, जो ओजाइव को इंटरसेक्ट करे. यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है? आफ्टर दैट क्या कहा है? फ्रॉम दैट पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू एक्स एक्सिस. अब इस पॉइंट में से एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर, पहले पैरेलल, फिर इस पॉइंट में से आएगी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. दिस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज अ वैल्यू ऑफ मीडियन. अब एक्स एक्सिस पे अगर ये वैल्यू जितनी भी हो, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 30 है, तो 30 जो है वो हमारा मीडियन होगा. ये एक ओजाइव के ऊपर से, ओनली वन, या तो लेस देन हो या तो मोर देन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक ओजाइव में से मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है ये समझाया, ठीक है? पहले n by 2 y एक्सिस पे, उसमें से पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन जो ओजाइव को इंटरसेक्ट करे, फिर जहां इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट में से एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन, एक्स एक्सिस पे जहां पे पहुंचेंगी वो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो मीडियन होगा. और अगर दोनों ओजाइव की ग्राफ में है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूं, ये दूसरा ओजाइव है, ठीक है? तो दोनों ओजाइव जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट की वैल्यू जो y एक्सिस पे जो होगी उसका x एक्सिस, उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा? मीडियन. क्लियर? ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है हमें,
अब लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 14.4, क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक क्लास यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम हुई तो मैंने ये अलग से यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये लास्ट क्लास ये है 180 to 200, ठीक है। फिर आगे क्या कहा है, नीचे कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। ओजाइव ड्रॉ हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ओजाइव नहीं पूछते एग्जाम में। हम इसे लेस देन टाइप में कन्वर्ट करेंगे। वो जो नोट्स अभी इसी वीडियो में पहले लिखवाई है उसके ऊपर से लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे टाइटल दे दूंगा, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चलिए अब ये कैसे होगा, सबसे पहले देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो वो नोट्स निकाल लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में कहा था लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी लिमिट लेनी होगी क्लास की, अपर लिमिट। अपर लिमिट इसमें देखिए पहले क्लास में कौन सी है, 120। तो यहाँ पे हमें टेबल में लिखना है लेस देन 120, क्या लिखना है, लेस देन 120, लेस देन 120 लिख लिया। इधर जो होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी, या तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ऊपर पहले टाइटल में क्लास नहीं लिखना है, ठीक है, क्लास के बदले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख दो। मैंने लिख दिया डेली इनकम, ये हो गई डेली इनकम, और इधर आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए टेबल बनाएंगे हम। अब डेली इनकम में पहली चीज क्या आएगी, लेस देन 120, लेस देन 120। फिर उसके बाद सेकंड वन आएगी लेस देन 140, पता है ना, सब में क्या लेना है, अपर लिमिट। फिर आगे लेस देन 160, लेस देन 160, फिर होगी लेस देन 180, लेस देन 180, एंड आफ्टर दैट होगा लेस देन 200, लेस देन 200, ये लास्ट है क्योंकि वहां पे क्लास खत्म हो जाते हैं हमारे। आफ्टर दैट अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे लेनी है, मैंने आपको बोला था अप टू डाउन एडिशन करना है। सबसे पहले लेस देन 120, देखिए इसका मतलब होता है डेली इनकम 100 टू 120 ऐसे 12 वर्कर्स है, 120 टू 140 ऐसे 14 वर्कर्स है। तो हमने यहाँ पे लिखा है लेस देन 120, 120 से कम जिनकी डेली इनकम है ऐसे 12 वर्कर्स है। अब लेस देन 140, 140 से कम है ऐसे लेंगे, तो उसमें 120 से कम वाले भी आ जाएंगे, मतलब 12 वो आ जाएंगे और 14 ये, मतलब कितने होंगे 26, ऐसे करना है, ठीक है। अगर ये मैंने कंसेप्ट समझाया आपको, कंसेप्ट कैसा होता है, लेस देन 160, तो 160 से कम वाले ये सभी आ जाएंगे 34, ठीक है। अप टू डाउन एडिशन ही कर रहा हूं मैं, देखिए 12, 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, एंड लास्ट में आएगा 50, 40 प्लस 10, ये हो गया लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा भी 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, नॉर्मल से लेस देन टाइप या नॉर्मल से मोर देन टाइप, लेस देन टाइप टू नॉर्मल, मोर देन टाइप टू नॉर्मल, ऐसा कोई भी पूछ सकते हैं। नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, अगर नोट्स माइंड में नहीं रखोगे तो कंफ्यूजन होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको गिवन है, उसमें आपको सिर्फ लेस देन टाइप ओजाइव ड्रॉ करना है, डायरेक्ट ओजाइव ड्रॉ करना है। ओजाइव ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर से मीडियन फाइंड आउट करना है, बट ओजाइव ड्रॉ करने का हमें नहीं आएगा। अगर ओजाइव गिवन है तो उसके ऊपर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमें नहीं करना है, क्लियर। सम इज ओवर, एक्सरसाइज इज ओवर, चैप्टर इज ओवर, चैप्टर नंबर 14 एक्चुअली इजी चैप्टर है, लेंथी भी नहीं है, अगर रेगुलर होता तो हम जल्दी कर लेते, बट ये ऑनलाइन वीडियोस में क्योंकि लिखना इसमें बहुत ज्यादा पड़ता है एंड बोर्ड में स्पेस कम होती है, इसी वजह से इसके वीडियोस जो हैं वो लेंथी बनते हैं। बाकी चैप्टर भी इजी है, कैलकुलेशंस भी इजी हैं, एंड चैप्टर स्मॉल भी है, इतना लेंथी भी नहीं है, क्लियर, ठीक है। फिर भी अगर इस चैप्टर के बारे में कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर की
टेस्ट या कुछ भी होगा तो उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन स्कूल में से आएगी व्हाट्सएप पे, ठीक है, होगा तो अभी तो आपकी जो टेस्ट है उसके बारे में सोचना है, ठीक है। एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।